धान की खरीदी शुरू हुए एक महीना हो चुका है, पर अभी तक सिर्फ 27,756 किसानों ने ही अपनी धान बेची है। वजह है चुनावी वादों से बनी किसानों की उम्मीदें। किसानों को उम्मीद है कि उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया है उसकी ही सरकार बनेगी और अपने सभी वादे भी पूरे करेगी, इसलिए किसान नए समर्थन मूल्य और कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं धान को लेकर राजनीतिक दलों में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि किसान कांग्रेस के पक्ष में है और उसे कांग्रेस के वादों पर भरोसा है, जबकि भाजपा का कहना है कि किसान अभी खेतों में लगे हुए हैं, जिसको समय नहीं मिल रहा है वो धान बेचने आ रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने दावा किया है कि खरीदी अच्छी हो रही है और धान की आवक लगातार आ रही है। यहाँ पर धान का आवक लगभग प्रतिदिन 9,000 मीट्रिक टन का यहाँ पर आवक है और ये पिछले साल की तुलना उतना ही है, पिछले साल भी उतना ही आया था। और इसके अलावा कुछ जगह में लिफ्टिंग नहीं होने के कारण थोड़ा सा बफर लिमिट बढ़ाया गया है और टोकन जिस सिस्टम से जारी कर रहे हैं उस टाइप का सिस्टम जारी कर रहे हैं। टोकन के हिसाब से किसान में भी दौरा गया था, लगभग 99% के आसपास किसान जिसका टोकन मिला वो लेके आ रहा है।